गजानना शंकर सुवन गजानना नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना बोलो गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना गजानना शंकर सुवन गजानना गाय भक्तों गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना गजानना शंकर सुवन गजानना गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना सुवन गजानना गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना ओ गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना प्रेम से बोलो गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना गजानना शंकर सुवन गजानना गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना सुवन गजानना गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना प्रेम से बोलो गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना
गजानना शंकर सुवन गजानना एक बार कैलाश पर भगवान भोलेनाथ माता गौरी कुमार कार्तिकेय और गणेश भगवान एक साथ विराजमान थे। लीलावश कुमार कार्तिकेय और गणेश जी ने अपने माता पिता गौरी शंकर से ये कामना की कि वे उनका विवाह करा दें। दोनों भाइयों ने बाल लीला करते करते ऐसा हठ किया कि पहले मेरा ही विवाह कराइए। कार्तिकेय जी का तर्क ये है कि मैं आयु में बड़ा हूं, इसलिए पहले मेरा विवाह होना चाहिए। और गणेश जी का तर्क ये कि पहले मैंने पहल की है, इसलिए मेरा विवाह पहले होना चाहिए। लीला को और रोचक बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने दोनों बालकों से कहा कि जो धरती का चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, मैं उसका विवाह पहले करा दूंगा। मयूरेश कार्तिकेय जी ने पिता की बातों को शिरोधार्य किया और अपने वाहन मोर से उड़ चले धरती की परिक्रमा करने के लिए। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं इतना भारी भरकम शरीर लेकर मूषक पर बैठकर धरती माता के चक्कर लगाने गया तो पक्का कार्तिकेय भैया से हार जाऊंगा। उन्होंने युक्ति लगाई और शिव पार्वती की परिक्रमा करके उनके सामने खड़े हो गए और बोले, मेरा विवाह कराइए। अपनी अद्भुत तर्क शक्ति का परिचय देते हुए गणेश जी ने शास्त्रों का उदाहरण देकर ये प्रमाणित कर दिया कि माता धरती के समान और पिता आकाश के समान होते हैं। अतः मैंने आप दोनों की परिक्रमा करके धरती माता और आकाश देव दोनों की परिक्रमा कर ली। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती गणेश जी के इस तर्क और माता पिता की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश का विवाह संपन्न करा दिया। बोलो श्री गणेश की। गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना बोलो। गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना शंकर सुवन गजानना गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना गजानना शंकर सुवन गजानना हो गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना शंकर सुवन गजानना गाइए गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना
शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना, हो गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना। प्रेम से बोलो, गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना। गाओ, गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना, शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन 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 गजानना, सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना, ओ गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना, 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 हो गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना। प्रेम से बोलो, गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गाइए भक्तों, गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना। भगवान श्री गणेश समस्त देवी देवताओं में प्रथम पूज्य है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से उन्हें प्रथमेश होने का वरदान प्राप्त है। अष्ट विनायक के रूप में भगवान श्री गणेश अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। भगवान श्री गणेश का स्वरूप अति विचित्र है और हमारे जीवन के लिए उपयोगी अनगिनत सीख देने वाला है। भगवान श्री गणेश के स्वरूप का यह रहस्य और सीख हम सभी भक्तों को अवश्य जाननी चाहिए। गणेश भगवान का विशाल मस्तक उत्तम बुद्धि धारण करने अर्थात बुद्धिमान होने का प्रतीक है और उनकी छोटी छोटी आंखें किसी भी वस्तु को बारीकी से देखने का संदेश देती है। भगवान गणेश की लंबी सूंड अर्थात नाक सर्वप्रथम तो उनके महत्वपूर्ण स्थान का परिचय देती है। वहीं किसी भी विषय को दूर से ही सूंघ समझ लेने का संदेश देती है। भगवान गणेश के बड़े बड़े कान अधिक से अधिक सुनने का संदेश देते हैं, तो वहीं सूंड से ढका हुआ उनका मुख कम से कम बोलने का संदेश देता है। और
और भक्तों, आपको पता है एक दंत स्वरूप अर्थात टूटा हुआ दांत ये संदेश देता है कि जीव को माया से संबंध तोड़ देना चाहिए। लंबोदर स्वरूप अर्थात बड़ा पेट ये संदेश देता है कि हमें बातों को पचाना सीखना चाहिए। भक्तों, इतना भारी भरकम साल शरीर होने पर भी मूषक अर्थात चूहे की सवारी करते हैं, जिसका संदेश यह है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए परंतु उसे इतना सरल होना चाहिए कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसको वहन कर सके। साथ ही चूहा कुतर्क का प्रतीक है, उसको अपनी सवारी बनाकर भगवान श्री गणेश तर्कों पर नियंत्रण करने का संदेश देते हैं। तो भक्तजनों, इस प्रकार भगवान श्री गणेश का स्वरूप हमें जीवन दर्शन का आभास कराता है और हमारे कल्याण का मार्ग प्रकाशित करता है। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की। गौरी नंदन गजानना, शंकर सुवन गजानना, गजानना शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, ओ गौरी नंदन गजानना सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, ओ गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन, गाइए भक्तों, गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, 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 बोलो गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, बोलो गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, 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 गाइए भक्तों, गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, हो गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना, गौरी नंदन गजानना शंकर
सुवन गजानना सुवन गजानना प्रेम से बोलो गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना गाओ गौरी नंदन गजानना शंकर सुवन गजानना।